अज बीवी आखे लग के मावा नु तंग नहीं करीदा, हे अज बीविया दे पिछे लग के कभी मां नु दुखी ना करिया जे, हे मां दुखी होवे रब नाराज हो जांदा जे, तवज्जो जी, हे मां दुखी होवे मोहम्मद नाराज हो जांदा जे, हे मां दुखी होवे जग रुस जांदा जे, हे मां मरे ते अज दा ये प्रोग्राम रमजान अल मुबारक दे अंदर जनाब भाई मुहम्मद खालस साहेब आप दे डेरे दे उते इनेकाद पजीर है, इफ्तारी दा प्रोग्राम है। ते भाई खालस साहब बड़ी मुहब्बत फरमांदे ने, इन्होंने हुक्म फरमाया, इन्हां दे हुक्म दी तमील करदे होया मैं नशीज सफर करके तुहाडी ज़ियारत वास्ते हाजिर हाँ। माशाला ये बरकतां ते रहमतां वाला महीना है, ते अज रात भी सतीवीं दी रात है, ते रात भी बड़ी बरकत वाली रात है। ते बाबा जी जिथे जाओ महफल दे प्रोग्राम होवे, खत्म दा प्रोग्राम होवे, कोशिश करिया करो कि दिलों जाइए कि रब साडे ते राजी हो जाए। इंशाला मैं तकरीर शुरू कर लगा, तुसां समात करनी है, मैनू भाई साहब ने हुक्म फरमाया कि तुसां मां दी शान बयान करनी है। अलहमदुलिल्लाह पहला भी मेरी आवाज़ के अंदर पूरी दुनिया के माँ की शान बाप की शान सुनी जा रही है। आज भी ये वजदान साउंड सिस्टम सियालकोट माशाल्लाह बड़ा अच्छा साउंड सिस्टम है, ये वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही है, ये पूरी दुनिया दे जानी है वीडियो, इंशाल्लाह यूरोप तक और सऊदी ओमान तक जाएगी और लोग सुनेंगे कि वाकई ये सियालकोट की सरजमीन दे फलानी जगह दे माँ की शान पढ़ने वाले भी पढ़ी है, तो सुनने वाले भी सुनी। ते हजरात तुसी तवज्जो नाल समाद फरमाया जे, दो शेर मैं पढ़ने ने तुहाडी तवज्जो वास्ते, बड़े इश्क नाल बड़ी मुहब्बत नाल बेया जे। हर इंसान ने बाबा जी दुनिया तो टुर जाना है, मौत का शिकार हो जाना है, इस दुनिया तो पर्दा कर जाना है, कोई चौधरी है उन्हें भी टुर जाना है, कोई फकीर है उन्हें भी दुनिया तो पर्दा कर जाना है। ये शेर तुसी समाद करने ने, ते जे जौक मिले तो फिर एक बार सुभान अल्लाह मिल कह लिया जे। शायर की आंदा है, अखां जदों मीटियां अखां जदों मीटियां ज़माना मैनू रोवेगा, अखां जदों मीटियां बाबा जी तवज्जो फरमाया जे, अखां जदों मीटियां ए गल दिल दी हो रही है, हर बंदे ने मरे जाना है पर ओही बंदे आंदे ने। शायर जी दे बारे फरमा रिया है, अखां जदों मीटियां ज़माना मैनू रोवेगा, अखां जदों मीटियां ज़माना मैनू रोवेगा, अपना ते अपना बेगाना मैनू रोवेगा, अखां जदों मीटियां हलसा, अखां जदों मीटियां ज़माना मैनू रोवेगा, अपना ते अपना बेगाना मैनू रोवेगा, अपना ते अपना बेगाना मैनू रोवेगा, कोई लुक लुक रोवेगा, कोई बुक बुक रोवेगा, भाई खालसा दे डेरे ते बैन लियो, कोई लुकी लुक रोवेगा, कोई बुक बुक रोवेगा, कोई लुकी लुक रोवेगा, कोई बुक बुक रोवेगा, गलियां दयाना सयाना मैनू रोवेगा, गलियां
दयाना थे सियाना मैनु रोवेगा अपना ते अपना बेगाना मैनु रोवेगा अखा जदों मीटियां अखा जदों मीटियां जमाना मैनु रोवे जी बाबा जी बड़ी मेहरबानी अल्लाह दा कुरान समाधि करियार अल्लाह दा कुरान ईलान फरमांदा है वकदा रब्बुका अल्लाह दा बदा इल्ला इया हुवा बिलवालिदैन इहसान अल्लाह फरमांदा है अपने वालदैन नाल इहसान करियार अपने वालदैन नाल अच्छा सलूक करियार कायना तालियो हजीत ते मार राजी होंदी है होदे ते अरशा वाला खुदा भी राजी होंदा है बाबा जी जिदे ते मां राजी हो जांदी है होदे ते मदीने आला मुस्तफा भी राजी हो जांदा है आओ अजीजा ने मन गल सुना देना है मेरा नबी मक्के दियां गलियां विच रोया है मेरा नबी मक्के दियां गलियां विच रोंदा रिहा है ते आंदा रिहा लोगो आज बड़े नबी नो हाजी अम्मा या मीना भी याद आंदी है भाई खालसा रब का बाबी कसम है अज चौधरी बने अम्मा दी दुआ लगी आई है है अज वकील बने मां दी दुआ लगी आई है हज इंजीनियर बने मां दी दुआ लगी आई है भावे कोई वली आवे भावे कोई ख्वाजा आवे भावे कोई दाता आवे रब का बाबी कसम लागो जिदे पीछे मुसल्ला पाण वाली माया है जिदे पीछे मुसल्ला पाण वाली माया है जिदे पीछे हाथ चुकने वाली माया है कदी डोलदा कोई नहीं कदी डोलदा कोई नहीं है भावे नबी आवे भावे उम्मती आवे बाबा जी जुमले सुनिया ने रब का बाबी कसम रूह तर भी जांदी है बाबा जी मेरे नबी मदीने दुबार डेरे लाए ने मेरे नबी सहाबा दे मजमे अंदर बैठे होए ने बाबा जी अम्मा हलीमा यो अम्मा है जिदी छाती च मेरे नबी ने दुध पीता है अम्मा हलीमा दे वेड़े विच कोई गल पिया करदा है थे आंदे ने लोगो होए मदीने इक मोहम्मद आया है मदीने इक अहमद आया है भाई खालसा मेरे नबी दिया तरीफा बुढ़िया भी कर दिया ने एक दूजे नाल गल्ला कर दिया ने हांदिया ने लोगो असा सुनिया है मदीने ओ आया है जेड़ा इशारा करदा है चन दो टुकड़े हो जांदा जेड़ा इशारा करदा है तवज्जो जी जेड़ा इशारा करदा है बाबा जी चन दो टुकड़े होंदा है जेड़ा मोहम्मद इशारा करदा है पत्थरी बोली पैंदे ने शजरी बोली पैंदे ने हजरी बोली पैंदे ने अम्मा हलीमा बीबिया नु पुछदिया ने नी गल्ला करन आलियो हे मैनू दसो ते सही ना उस सोने दा ना की है खालसा सुनियो मां की आंदी है इक बीबी बोल के कहन लगी नी हलीमा असा सुनिया है ओदा नाम मोहम्मद अल्लाह तेरे हाथों नु सलामती अता फरमाए ओदा नाम मोहम्मद ओदा नाम मोहम्मद ओदा नाम मोहम्मद खालसा होए नबी दा सदका अज लांबे लायो यार जहरा दे बाबे दा सदका अज खुशियां मिलियां ने जहरा दे बाबे दा सदका लोग सलाम कर देने हलीमा आखन लगी फिर दसो ओदा नाम की है आखन लगे नी माइए ओदा नाम मोहम्मद फरमान लगिया जे ओदा नाम मोहम्मद फिर हलीमा दा पुत्र लगदा
जी जी बाबा जी तवज्जो करिया ने, फिर वो मेरा शहजादा लगदा है, फिर मोहम्मद मेरा पुत्र हुण खालसा दे यार बेली भी आए ने, सजनी रिश्तेदार भी आए ने। बाबा जी जुमले तवज्जो ने सुनिया ने, अम्मा हलीमा ने सवारी तैयार की थी, सवारी चलदी चलदी मदीने आ गई, मदीने दिया गलियां विच सवारी मुड़ी है। बाबा जी मेरा नबी सामने बैठा होया है, होया जी बीवी ते अखे लग के मावां नूं तंग नहीं करीदा, होया जी बीवियां दे पिछे लग के कदी मां नूं दुखी ना करिया जे, ते मां दुखी होवे रब नाराज हो जांदा जे। तवज्जो जी, हे मां दुखी होवे मोहम्मद नाराज हो जांदा जे, हे मां दुखी होवे जग रुस जांदा जे, हे मां मरे ते हे मां पे मुकदे, भाई खालसा मां मरे ते हे मां मरे थे, हे माए पे मुक दे हाथा वीर मरे वेड़ा वेलाए, हे पाप मरे थे मोहे ए बाप मरण ते मोहे मद बदशा थे उजड़ जांदा जे मेला। भाई खालसा से डेरे ते बैन आलियो, हुण जुमले दर्दे दिल ना सुनिया ने, हजीजन मन जुमले तवज्जो ना सुनिया ने। अम्मा हलीमा दी सवारी मेरे नबी दे सामने आई है, मेरे नबी दी नजर अम्मा हलीमा दे चेहरे ते पै गई, होया जी मां नू झूठा करके होए बीवी नू राजी कर छड़ दे ओ, होया जी मां नू जलील करके होए बीवी नू इज्जत दे दे ओ। रब्बे काबा दी कसम मां मर गई, तेरे दुखड़े सुनने किसे नहीं, हे मां मर गई तनु सीने लाना किसे नहीं। मलक अल्लाह दी कसम लोगो, होए पुत्र परदेसां विच वसदा होवे, हे मां मुसल्ले पा के दुआवां करदी है, हांदी है रब्बा मेरे परदेसी दी खैर करी, रब्बा उठे रोटी पका के देने वाला भी कोई नहीं, रब्बा उठे पुत्र नु कपड़े इस्त्री करके देने वाला भी कोई नहीं, रब्बा मेरा परदेसी रोंदा होना जे मां दी कदर पुछड़ी जे, है परदेसा विच गया नु पुछ लिया रे। बाबा जी एक दिन दी रोटी दूसरे दिन खानी पै जांदी है, हो बगैर इस्त्री कपड़े होए पाने पै जांदे ने, हे मां जिंदा होवे हे मां कदी पुत्र नु नाराज नहीं करदी, हे मां कदी पुत्र नु दुखी होण नहीं देंदी, हे पुत्र भवे नेक होवे फिर भी दुआवां करदी है, हे पुत्र भवे ना फरमान होए फिर भी दुआवां करदी है, इसे वास्ते अनावां पार देंदियां ने दुआवां मां दियां। जिनों मां दी दुआ ने तारिया है, जिदे पिछे मां दी दुआ है, जिनों लगदा है सब मेरी मां दी दुआ है। हज गड्डियां पिछे भी लखाने आ, हज ट्रैक्टरां उत्ते भी लखाने आ, हज ट्रालियां उत्ते भी लखाने आ, ओए लागा ए सब मेरी मां दी दुआ है। बाबा जी मां दी दुआ लग जांदी है, इसे वास्ते ना तार देंदियां ने दुआवां मां दिया हाजिर।
मां मां ही मैं तो चौधरी रोंद वेखे ने मां की मैयत मैं तो एम एन ए एम पी ए रोंद वेखे ने मां की याद में और कहते ने कारी साहब अज जो भी है मां की दुआ है कि दुआ है जी बोलो कि दुआ है तुहानू कि दुआ है मां तो प्यो की दुआ है और रब्बे काबा की इज्जत की कसम है तवज्जो फरमाया जी जिदे पिछे अगे अगे थोड़े थोड़े आ जाओ पिछे जगह कोई नहीं थोड़े अगे तशरीफ लै आओ बड़ी मेहरबानी जेडे बंदे पिछू आ रहे हैं उन्होंने भी जगह मिल जाए अगे आ जाओ और अगे आ जाओ बड़ी जगह लबाक सलामती अदा फरमाए ये गल तवज्जो ना समात करनी जे मां की शान की कि मां की चीज़ है अल्लाह फरमांदा रब्बा नगफिर ली वाली वाली दैया वाली मुमिनीन यौम यकूमुल हिसाब अल्लाह फरमांदा वालदैन नाल एहसान करियो वालदैन नाल चंगा बोली बाबा जी रब्बे काबा की कसम है जिहड़े वालदैन की इज्जत करते ने ना खुदा दुनिया को उन्हां दी इज्जत करवांदा है लोग उन्होंने सलाम करते ऐ ना समझियो वे लोग मेरे डेरे तो आते ने लोग मैनू सलाम करते ना ये पिछे किसी की दुआ दा सर ये पिछे कोई ऐसी आनी जी जी बाप भी दसांगे तुसी तवज्जो फरमाओ कि मां एक ऐसी हस्ती है जिहड़ा मौजू मैनू घर वाले ने दिता वे मैं इंशाल्लाह वही बयान करना है पिछले दिन खत्म ते असी बाप की शान ही बड़ी है उत्थे मौजू बाप की शान सी इस वास्ते बाप भी बाप है ते मां मां ही है तीन हिस्से मां दे ने ते इक हिस्सा प्यो दा तवज्जो फरमाओ अच्छा अच्छा जी ठीक है जी ठीक है जनाब जी ठीक है नहीं नहीं कोई रोला नहीं इंशाल्लाह इत्थे जी जी कोई गल नहीं कोई गल नहीं तुसी गुस्से ना होवो कोई नहीं हो जांदा तवज्जो फरमाओ इंशाल्लाह ये यूट्यूब फेसबुक ते मेरा नाम लिखोगे ना तो सारियां तकरीरां मेरियां प्यो दी शान दियां जिन्हां सुनी उन्हां नूं पता है हुण तवज्जो फरमाया जे मैं आखिरी गल करके बाप दी शान सुनाना वा तवज्जो फरमाया जे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सामने अम्मा हलीमा सवारी दे उतरियां ना हजूर बाबा जी उठ के खड़े होए अज पुत्र दफ्तर बैठा होवे ते मां आ जाए तो उठ के खड़ा होना चाहिए अज पुत्र दफ्तर बैठा होवे तो प्यो आ जाए तो उठ के खड़ा होना चाहिए कि बाप का अदब करे मां का अदब करे तो लोगों नूं दसे कि दुनिया मेरे वास्ते उठती है तो मैं अपने मां प्यो वास्ते उठना जी जी तवज्जो फरमाया जी जुमले तवज्जो ना समाप्त करया जी हजूर करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर उठ के ना दौड़ के गए मैं किताब के अंदर पढ़े सीरत नबी के अंदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर बाबा जी हजूर ने ना लैन नहीं पाए अम्मा हलीमा आईया ने मिलन हजूर ने ना लैन नहीं पाए हजूर की काली कमली का एक पल्लू हजूर के मोंडे दे और एक पल्लू मदीने उस जमीन ते चलता पे ते हजूर जाके ना बाबा जी अम्मा हलीमा नु सीने ला लिया मां नु सीने लाना मेरे नबी की सुन्नत है जी जी तवज्जो फरमा जाए हजूर ने अम्मा नु सीने ला लिया बाबा जी सीने ला के ना मेरे नबी दी अखां विच अथरू आ गए हजूर फड़ के लै के ना अपनी जगह ते आके काली कमली थले बिछा के हजूर उत्ते अम्मा हलीमा बिठाया फरमाया तुसी इत्थे बवो ते मैं थले बहना मां नु अपनी काली कमली ते बिठाया और आप हजूर थले बैठे मेरे नबी ने दसिया बाबा जी सक्की मां नहीं सक्की मां नहीं ये दुध पिलाने वाली अम्मा हलीमा सादिया तवज्जो फरमाया जे मेरे नबी कई देर कितनी देर अम्मा हलीमा ना गल करते रहे ते अम्मा हलीमा बाबा जी कभी हजूर दा मत्था चुमदियां ने अम्मा हलीमा कभी हजूर दे लब चुमदियां ने कभी हजूर दे हाथ चुमदियां ने कभी हजूर दे कपड़े चुमदियां ने तवज्जो फरमाया जी ते कपड़े चुम के आंदियां ने वे मुहम्मद तू ते अज बड़ियां शाना वाला हो गया फरमाया अम्मा जी मैं तेरे वेड़े गया सा मैं शाना वाला उदू भी शाना वाला सा हुण बाबा जी जुमले समाप्त करिया अम्मा हलीमा बड़ी देर मेरे नबी दे सीने लग के रोंदी रही हजूर अम्मा हलीमा दे हाथ चुमदे रहे ने कभी अम्मा हलीमा दे वाल चुमदे रहे ने बाबा जी जदू जान दा वेला होया मेरे नबी ने अम्मा हलीमा ने उठाया सहाबा फरमांदे ने लोगो असी वेंदे रहे हजूर जिनी देर गल करदे रहे हजूर दियां अखां विच अथरू जारी ने हे अम्मा हलीमा भी रोंदी है मेरा नबी भी रोंदा है हजीज़ ने मन सियाल को डालिया जुमले सुनिया ने मेरे नबी ने मां नु जफा मारिया है मेरे नबी मां नु अलविदा आखिया है मेरे नबी हाथ जोड़ के आखिया अम्मा
मेरी ते सकी मां भी जिंदा कोई नहीं, अम्मा जी मेरा ते बाप भी जिंदा कोई नहीं, हम्मी जी कदी कदी मिलन आ जाया जे, हम्मी जी मेरे दिल नु तसल्ली हो जांदी है। अम्मा हलीमा ने अलविदा इस्लाम आखिया खैना तलिया, सहाबा ने हाथ जोड़ के अर्ज की कमली वाली आ ए कौन मई है, हजूर जी दे नाल गल्ला करके रोंदे रे हो, हजूर जी नो काली कमली ते बठाया जाए, या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला, फरमाया सोनिया जिस कमली दिया कसमा रब चुकदा है उस कमली ते माई नू बठाया जाए, फरमाया साहबा सुन लो ए मेरी मां हलीमा सादिया है जिनो मोहम्मद ने कमली ते बठा के दसिया है, हर पवे चौधरी हो पवे अमीर होवो पवे गरीब होवो उठ के मानो अपनी जगह ते बैठा के दसिया जे है लोगो माई होंदी है, मां माई होंदी है। तवज्जो फरमाया मेरे नबी ने काली कमली ते बैठाया किदे ते, काली कमली ते। और आखिरी गल सुनो बाप दी शान दे हवाले ने, सुनो बाप कौन है, मेरे नबी दा फरमान सुनिया जी। मेरे नबी ने फरमाया साहबा जी आगा, फरमाया जी ने वेखना रब राजी है कि नाराज है। अब मेरे वाल तवज्जो करो, टाइम बिल्कुल थोड़ा जा बिल्कुल कली है क्योंकि इफ्तारी का टाइम बिल्कुल नज़दीक है, दुआ भी करनी है पहला, उस तू पहले मैं छड़ देना, तवज्जो करे आखिरी गल। साहबा जी आगा, फरमाया वेखना चाहते हो रब राजी है कि नाराज है, हजूर वेखना चाहते। मेरे नबी ने की फरमाया, जाके बीवी ने वेखो, जे तेरी बीवी तेरे ते राजी है तो समझ खुदा राजी है, नहीं नहीं बाबा जी। मेरे नबी का फरमान सुने जी, मेरे नबी ने फरमाया जे वेखना जे ना कि रब राजी है कि नाराज है, बाबा मस्जिद जाके पूछण की लोड़ नहीं, मां मस्जिद गुरु के दसो मेरे ते रब राजी है कि नाराज है, ये पूछण की लोड़ नहीं। मेरे नबी ने फार्मूला दस दिता, घर बह के चेक कर लियो, घर बह के चेक कर लियो, हजूर किवें करिए, फरमाया जाके अबे का चेहरा वेख लियो। उची बोलो सुबहान अल्लाह, कि चेहरा बाप का चेहरा वेख लो, हजूर फिर की होएगा, फरमाया तू बाप के चेहरे ते नजर पाई, तवज्जो करे अज जी, तू बाप के चेहरे ते नजर पाई, जे तेरा बाप तेरे ते राजी हो गए खुश हो गया ते समझ अरशा वाला खुदा भी तेरे ते राजी हो गया। पता लग गया ना जी रब कदू राजी होंदा, जदू अब्बा राजी होवे ते फिर रब राजी होंदा। बाबा जी प्यो नू छड्ड के बंदा रिश्तेदारां दी जिन्नी मर्जी भी खिदमत पिया करे, चाचियां नू बंदा उठ के मिले ते प्यो ना जफा भी ना पावे। हाँ ये गल्लां मेरे को बाबा जी सीधियां ने, अलहमदुलिल्लाह 100 तो ज्यादा तकरीर है मेरी बाप दी शान दी यूट्यूब ते, और लोग कोई ऐसा मुलक नहीं जिथे मैनू कॉल ना आई होए कि तुसां बाप दी शान पढ़िए तो वाकई हक अदा किया, कि इंज ही होना चाहिए। बाबा चाचे नू बंदा उठ के मिले तो प्यो आवे तो बंदा मूँह दूसरे पासे कर ले, प्यो आवे तो बंदा गली चेंज कर छड़े, उस तो कमीना बंदा कौन है। बाबा रबे काबा की कसम है, वह मकाम तेरे चाचे का नहीं जोड़ा मकाम तेरे प्यो का, तेरे बाप का जोड़ा मकाम है। अपने बाप की इज्जत कर, अपने चाचिया के सामने प्यो न उठ के मिल, तू घरों काम से जावे बाप का मत्था चौंक, तू काम तू वापस आवे बाप का मत्था चौंक, तेरी बुढ़ी भी पता लगे कि प्यो का खिदमत गुजार है। तो जे बाबा जी अबे न सीधे मूँह बुला ही नहीं, अगले दिन एक बाबा मैनू कह लगा कि साहब मेरा पुत्र उन्हें 10 साल हो गए मैनू बुलाया नहीं। किन्ने साल, तवज्जो फरमाया जी, गल आखरी जे 10 साल हो गए ने मैनू बुलाया नहीं, मेरे ना गल ही नहीं की। मैं क्या बाबा गल तो सुना, गल की है, मेरा इमाम मस्जिद मेरे पिछे नमाज पढ़ने वाला मुक्त दी सी ते गल सुना के रो पिया। हुण सुनियो प्यो की होंदा है, बाप की होंदा है, बाप की शान की है। मैं क्या वजह की बनी, गल आखरी जे छोटे वड्डे तवज्जो ना समात करिया जे, एक बंदा भी अमल करके उठ गया खालिद साहब तुहाडा इंतजाम करना अल्लाह कबूल कर ले, और कबूल ही उदू करता जो अल्लाह तौफीक ही उदू देता जो कबूल कर ले। आ गल तवज्जो नाल, आंदे ने पता नहीं नमाज कबूल हुई है कि नहीं हुई, मैं क्या रब तौफीक ही उदू देता जो कबूल करनी हो, नहीं तो बंदे मसीतां कोलों भी गुजर जाते, बंदे लखपति होंदे ने, आंदे ने इन्ने बंदियां नू खवाना किसी बंदे गरीब की मदद कर छड़, और गरीब की भी मदद कर, लेकिन रोज़ा इफ्तारी की बड़ी फजीलत है। तवज्जो फरमाए, आंदा मैं अपने बाप नू नहीं बुलाया, मैं क्या क्यों, आंदा असी 4 भरा सां, तवज्जो करिया जी, ते मेरे बाप ने 4 भरावां दे विचों जदों जायदाद तकसीम की ना,
ਦਰੋਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਥੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਇਆ ਜੀ, ਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕਿਓ। ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਿਓ ਦੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕ ਬੁਲਾਉਣਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅੱਬਾ ਨੇ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਮੰਗਣੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹਨੇ ਖਰਚਾ ਹੀ ਮੰਗਣਾ। ਹੁਣ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਇਆ ਜੀ, ਆਂਦਾ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਆਂਦਾ ਅੱਬੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਥੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅੱਬੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਿਕੰਮਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬੀਵੀ ਵੇਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਤੇਰਾ ਪਿਓ। ਆ ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਬਾਪ, ਤੇਰਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਵੇਖ ਸੜਕ ਤੂੰ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਲਾਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਣਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਅੱਬਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਐਸੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਹੈ ਨੇ ਇਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬੜੀਆਂ ਨੇਕ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ, ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਨੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਸੱਸ ਦੀਆਂ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਵਾਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਤੇਰਾ ਅੱਬਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੰਗਾ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੰਗੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਇਆ ਜੀ, ਆਂਦਾ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਜੁਮਲੇ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਏ, ਮੈਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਬੈਨ ਲਿਆ, ਜੁਮਲੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਜਾਇਆ ਰੇ। ਆਂਦਾ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਰਾਤੀ ਵੇੜੇ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਣ ਜੁਮਲੇ ਸੁਣਿਆ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਆਂਦਾ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਂਦਾ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਿਲ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਆਂਦਾ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਗਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਬੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਮੈਂ ਗਲੀ ਦੂਸਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੇ ਵੇੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਪਾਪ ਦੇ ਵੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਂਦਾ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਥਰੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਰੋਕ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਸਿੱਖ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਡੀ ਹੁੰਦੀ ਠੇਕ ਕਿ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਹੋਏ ਮੇਵਾਤ ਹੈ ਨਬੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਇਬਰਾਹੀਮ ਮਸੀਹ ਸਾਲ ਰੋਏ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਹੀ ਅੱਲਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦੇ, ਹੀ ਅੱਲਾ ਔਲਾਦ ਦੇ ਦੇ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਲੋਕਾਂ ਦਿਲ ਫਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਂਦਾ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬਾਪ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ ਕਾਇਨਾਤ ਆਲਿਓ, ਆਂਦਾ ਛੋਟੀ ਈਦ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੁਮਲੇ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਚੱਲੀ, ਛੋਟੀ ਈਦ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਆਂਦਾ ਈਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਪਏ। ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਓ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੁਬਾਰਕ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਈਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ, ਤੇ ਛੋਟੀ ਈਦ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ, ਅਸਲੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ, ਉਹ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾਨ ਲਗਾ ਜਾ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਛੋਟੀ ਈਦ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੇ ਮਿਲਣ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੁੱਤਰ ਐਸੇ ਦੱਸਣਾ ਜਿਹੜੇ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਲੈਣਾ ਵੀ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਵੇ, ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਵੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮਿਲੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਪਿਓ ਦੇ ਸੀਨੇ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾ ਜੀ, ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਨ ਗੱਲ ਮੁੱਕਣ ਲੱਗੀ, ਆਂਦਾ ਛੋਟੀ ਈਦ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੇ ਮਿਲਣ, ਅੱਜ ਯਾਰ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੈਰੀ ਵੈਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਅੱਜ ਤੇ ਵਰੇ ਦਾ ਵਰਾ ਦੇਣ, ਅੱਜ ਤੇ ਨਾ ਨਾ ਲੜੋ, ਅੱਜ ਤੇ ਵਰੇ ਦਾ ਵਰਾ ਦੇਣ। ਬਾਬਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਹੋਣ ਨਾ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵਰੇ ਦਾ ਵਰਾ ਦੇਣ, ਯਾਰ ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮਿਲ, ਯਾਰ ਸੁਲਾ ਕਰ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਛੋਟੀ ਈਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜੀ ਗਈ ਹੈ,
ਹੰਦਾ ਯਾਰ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੰਦਾ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਹੈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਪ ਨੂੰ ਜਫਾ ਮਾਰਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਪ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਜੇ ਹਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਓ ਹੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮਸੀਹ ਤੂੰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ ਮੈਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੁਮਲੇ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਹੰਦਾ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਵੱਲ ਦੌੜਿਆ ਹੈ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਕਿਤਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਨਾ ਲਵੇ ਹੈ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁਲਾ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ ਹੰਦਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਨਾ ਅੱਬਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਬਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੈ ਕਾਇਨਾ ਤਲਿਆ ਹੰਦਾ ਮੈਂ ਜੋਲੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਜੁਮਲਾ ਸੁਣਿਓ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਜਦੋਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ ਹੈ ਹੰਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਦੌੜ ਕੇ ਆਇਆ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਡ ਪਿੱਛੋਂ ਕਲਾਵਾ ਮਾਰਿਆ ਰੋ ਕੇ ਆਂਦਾ ਵੇ ਪੁੱਤਰਾ ਓਏ ਦੱਸ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜੀ ਆਈ ਹੈ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਬੈਠਾ ਵਾ ਓਏ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਏ ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਚੀਖਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਬੁੱਢੇ ਬਾਪ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏ ਅੱਜ ਤੇ ਵਰੇ ਦਾ ਵਰਾ ਦਿਨ ਹੋਏ ਅੱਜ ਨਾ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਰੀ ਸਾਹ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ ਹੋਏ ਮੈਂ ਅੱਬੇ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੋਏ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈ ਕੇ ਆਖਿਆ ਅੱਬਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਗਲਤੀ ਤੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਅੱਬੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੁਮਲੇ ਸੁਣਿਆ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਿਓ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਹੰਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਰੋ ਨਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਕਸ਼ਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀਰ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਦਰਦੀ ਹੁੰਦੇ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਰੋਣਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈ ਹੈ ਵੀਰ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਦਰਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵੀਰ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਪਾਪ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਤਾਜ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਹੋਰ ਲੈਓ ਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੇ ਲੈਓ ਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਤੇ ਮੇਲੇ ਨੀ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਹਾਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੇਰ ਮਿਲਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਪਾਕ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣਨਾ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ ਜਿਹੜੇ ਰੋਏ ਹੋ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਣ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਫਰਮਾਏ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਫਰਮਾਏ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦਿਆਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡਦੇ ਅਜੇ ਬਾਪ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜੇ ਚਾਚੇ ਛੱਡਦੇ ਅਜੇ ਬਾਪ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜੇ ਮਾਮੇ ਛੱਡਦੇ ਅਜੇ ਪਿਓ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜੇ ਇਹ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਭਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੁਰ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਫਿਰ ਰੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਗੁਰਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਅੱਲਾ